Good morning and Om Shanti to all of you. Thank you so much for taking out time on this wonderful morning. मैं ऐसे ही अभी मुस्कुरा रहा था कि अगर आज मैं पुणे में नहीं होता तो इस समय मैं ऑपरेट कर रहा होता. दिल्ली के अंदर हमारी कार्डियक कैथ लैब जी बी पंत हॉस्पिटल से मैं एसोसिएटेड हूँ और वन ऑफ द बिजिएस्ट सेंटर्स है कंट्री का कार्डियक केयर के लिए. और मॉर्निंग के अंदर ही जैसे दिनचर्या आरंभ हो जाती है और सवेरे से ही व्यक्ति भागना आरंभ कर देता है. जाते हैं उनको पता है कि सर करीब 7:30 बजे आके फर्स्ट केस ले लेते हैं. तो मैं इमेजिन कर रहा था कि पेशेंट टेबल पर लेटा होता है एंड द होल टीम इज़ देयर एंड यू जस्ट गो एंड इनविजिबली आई ऑलवेज गो इन माय कैथ ड्रेस और हम ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड इट्स लाइक अ मशीन दैट इज़ रनिंग. ऑलमोस्ट 50 to 60 केसेज एक दिन के अंदर हम एक टेबल पर ऑलमोस्ट ऑपरेट कर देते हैं. वी आर वर्किंग टिल 11 PM, 12 AM अर्ली इन द मॉर्निंग नाइट. और इसको अगर हम अपनी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी कुछ इसी प्रकार से हो गई है कि मॉर्निंग में ही बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सलेटर दबता है और रात को आके एल्प्रेक्स की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है. हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है. तो जब भी जीवन की यात्रा हम लोग करते हैं तो जीवन की यात्रा बहुत खुशी और शांति के साथ होनी चाहिए. एक बारी की बात है कि एक यंग लड़का जो था वो बहुत अच्छी तीरंदाजी करता था. वेरी वंडरफुल, वेरी फैंटास्टिक. और करते करते उसे अपने ऊपर अभिमान आने लगा कि मैं बहुत अच्छा तीरंदाज हूँ, मुझसे बढ़िया कोई इस दुनिया में है नहीं. तो लोगों ने उसे कहा कि तुम अगर अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझते हो, इफ़ यू थिंक यू आर सच अ वंडरफुल, तो तुम इस गाँव के कोने में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है उसे हरा कर दिखाओ, तब हम तुमको मानेंगे कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, यू आर नंबर वन. तो उसने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आई हैव डिफीटेड सो मेनी पीपल इन दी वर्ल्ड, मैं आराम से उनको हरा सकता हूँ. और वो गया, उसने उस बुज़ुर्गवार को कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस प्रतियोगिता के अंदर. तो उसने कहा बेटा मुझे हरा कर क्या करोगे. उसने कहा लोग कहते हैं कि जब मैं आपको हराऊंगा तभी मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा. तो उसने कहा ऐसी बात है तो ठीक है. और दोनों खुले मैदान में आ गए. उस लड़के ने तीर लिए और एक के बाद एक छोड़ा और एक्यूरेट निशाना लगाया. पहला तीर लगाया, दूसरा तीर उसको भेदते हुए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसने निशाना लगाया और उस बुज़ुर्ग से कहा कि आप भी करके दिखाइए. उस बुज़ुर्ग ने भी दो तीर लिए और उससे आधे समय में वो बड़े एक्यूरेसी से करके दिखाया और उससे कहा कि बेटा जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया, लेकिन अब जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा. उसने कहा मैं तो सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ. उसने कहा आओ मेरे पीछे. गाँव के कोने में उनको ले गया. दो बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, हज़ारों फीट गहरी खाई थी और उसके ऊपर एक पतला सा रास्ता जा रहा था, पगडंडी सा. ऐसा लगता था कि वो रास्ता झूल रहा है. तो लड़के के माथे पर पसीने आने लगे. उसने कहा हमारी तीरंदाजी की बात हुई थी, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो. उसने कहा नहीं आप चलो मेरे आगे, तुम्हारे आगे तो मैं चल रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है. और दोनों पहाड़ों के बीच में आकर बिल्कुल उस खाई के ऊपर खड़े हो गए. उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने बड़े प्यार से अपना तीर लिया और दो पहाड़ों के बीच में एक जगह एक्यूरेट निशाना लगा दिया और उसे कहा कि बेटा तुम ये कर सकते हो, ये पहला स्टेज है. उसके कांपते हाथों से माथे पर पसीने उसने पोंछे और तीर को निकाला. और तीर को निकाल कर उसने जैसे ही छोड़ा तो वो तीर निशाने के आसपास भी कहीं नहीं पहुँचा. उस लड़के को इतनी घबराहट हुई और उससे लगा कि मैं हार चुका हूँ और उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के चरणों में वो गिर गया और उससे बोला कि क्षमा करिएगा, मुझे लगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ लेकिन असल में तो यू आर नंबर वन, आपको हराना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है. तो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने बहुत प्यार से उसको उठाया और उठाकर अपने गले लगाया और ध्यान से सुनो क्या बोला. उसे बोला कि बेटा तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की है, यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो, लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है. तभी परिस्थिति जरा से भी विकट होती है तो तुम्हारा निशाना चूक जाता है. तो यदि तुम सच में वर्ल्ड में या विश्व में नंबर वन या सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें किस पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने किस पर करना पड़ेगा बताइए, अपने मन पर करना पड़ेगा. माइंड, इट्स ऑल गेम ऑफ माइंड. और उसने कहा कि बेटा जब मन हमारा कमज़ोर होता है, अपनी लाइफ को सामने लेकर आओ बहुत प्यार से, हम थोड़े से हैं फैमिली की तरह, क्रिएट करो.
जब मन हमारा कमज़ोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है। हम डॉक्टर्स हो, डॉक्टर्स जब जाएंगे और अगर माइंड पावरफुल नहीं है तो कोई छोटी सी भी एलिमेंट लेकर आएगा तो उसको लगेगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है ना। तो मन जब हमारा कमज़ोर है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है। जब मन हमारा स्टेबल होता है, स्थिर होता है, तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप लेती है। लेकिन जब मन हमारा सशक्त होता है, पावरफुल होता है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए एक अवसर का रूप ले लेती है, अपॉर्चुनिटी का रूप ले लेती है। सेम माइंड, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड वी डिज़ाइन अवर लाइफ अकॉर्डिंगली। तो आज हम सब अगले 40-50 मिनट्स के अंदर बहुत सुंदर कुछ 6 बातों की डिस्कशन करेंगे, और इन 6 बातों को अगर हम अपने जीवन में कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए भी अपनाते हैं ना, तो क्वालिटी ऑफ योर लाइफ बिल्कुल बदल जाएगा, है ना। पहले तो आप मुझे बताओ कि यात्रा पर जाना चाहिए तो खुशी खुशी जाना चाहिए, उदास चेहरे से जाना चाहिए, क्यों सर बताइए? उदास में मज़ा आता है, खुशी खुशी बताइए? यस, यू शुड बी हैप्पी और नॉट, इजंट इट? तो मुस्कुराते हुए चेहरे से इंजॉय करते हुए चलना है, लाइफ को जंग नहीं बनाना, इट हैज़ टू बी वेरी रिलैक्स लाइफ। आप में से कौन कौन समझते हैं कि हम लोग डॉक्टर्स हैं? डॉक्टर्स और हीलर्स में क्या क्या फ़र्क होता है? कौन समझता है कि डॉक्टर होना चाहिए, कौन समझता है कि हमको हीलर होना चाहिए? डॉक्टर और हीलर, ये 2 डिफरेंट रोल्स हैं, इनमें से कौन सा पावरफुल है? कौन कौन समझता है हम डॉक्टर्स हैं, वो हाथ उठाओ, केवल, कोई नहीं। कौन कौन समझता है हम लोग हीलर्स हैं, हमारे लिए पॉसिबल है, ऐसे हाथ उठाना है, बिल्कुल। आप नहीं समझते कुछ भी, आपको क्या लगता है बताइए, क्या लगता है, डॉक्टर्स या हीलर्स, वॉट इज़ योर रोल इंपॉर्टेंटली, क्या लगता है आपको बताइए, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ हीलर, कोई बताएंगे? वेरी नाइस, और कुछ, एनीबडी जो पहली बार आए इधर? हाँ बोलिए प्लीज, मास्क उतार के बोलिए। इंटरनल, डॉक्टर आउटसाइड देगा, हीलर इंटरनल देगा, वेरी नाइस, वंडरफुल, और कुछ डिफरेंट? हाँ हाँ प्लीज गो अहेड, परिवार है, इजीली बोलो ना, एक्सप्रेस योर थॉट्स प्लीज, वेरी नाइस, और वेरी नाइस, दैट इज ब्यूटिफुल। डॉक्टर्स बाहर से एक्ट करेंगे फिजिकल पर, हीलर्स अंदर एक्ट करेंगे, एनी डिफरेंस जो नए आए हैं, एनीबडी, कोई और? यस यस गो अहेड, माइंड, बिल्कुल बढ़िया। कोई ऐसा शब्द है हमारी लाइफ में जो इसको सिग्निफाई करता है? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यू कैन बी रॉन्ग, राइट, इट डजंट मैटर, लेकिन आज इस चीज़ को एनालाइज करेंगे, बहुत आनंद आएगा आपको, देन वी विल कंप्लीटली रीडिफाइन अवर रोल। एनीबडी, कोई और शब्द हमारे प्रोफेशन से जुड़ा होता है जो इसको सिग्निफाई करता है? डिजीज वर्ड का नाम सुना है आपने? डिजीज वर्ड का मतलब जानते हैं? डिजीज वर्ड इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, डिस प्लस ईज। आप में से किस किस को ये एक्सपीरियंस है या आप लोगों को अनुभव है कि आपका पेशेंट आपके पास आके बोलता है कि सर आपसे बात करके मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है? किसके साथ है ये? सबके साथ है, होता है, कभी कभी होता है सबके साथ। क्यों होता है जी, क्यों होता है जी? मैडम आपने क्यों हाथ उठाया, क्यों होता है? नहीं, पीछे वालों से बोल रहा हूँ, नहीं नहीं बोलेंगे, हाँ बोलिए ना, बोलिए। पेशेंट स्ट्रेस लेके आता है, हाँ नहीं, पर उनकी आधी बीमारी कैसे ठीक हो गई? उसको बुखार है, उसको दर्द है, वो कह रहा है आपसे बात करके उसकी बीमारी ठीक हो गई, कोई और? वंडरफुल आंसर, और कुछ? हाँ बोलिए। पॉजिटिव वाइब्रेशन से क्या होगा फिर? माइंड हील हो जाएगा, वेरी नाइस, और कुछ? यस, वेरी नाइस। डिजीज वर्ड्स 2 शब्दों से बना है, डिस प्लस इज, राइट। When easiness in our life, that goes away first mentally and then physically, we become diseased. आप लोगों में से किस किस को अनुभव है कि जब मेरा मन बहुत खराब है,
जब मन मेरा बहुत चिंता में है, ख़राब है, उस दिन मेरा काम करने का मन करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। उस दिन हम कहेंगे बुखार सा है, ब्लड प्रेशर सा लग रहा है, नाप लो। और कभी कभी हमको लगता है कि जब हमारा मन बहुत खुश है, शरीर पर बीमारी भी है, उस दिन हम अपने शरीर की बीमारी को भूल जाते हैं। तो शरीर की बीमारी बाद में आती है, सबसे पहले हमारा मन उसको एक्सेप्ट करता है कि मैं बीमार हूँ। इसलिए डिजीज़ वर्ड यानी मन के ऊपर बीमारी पहले आई और शरीर के ऊपर बाद में आई। 95% ऑफ अवर बीमारी, ऑफ अवर इलनेस इज बिकॉज ऑफ अवर थॉट। साइकोसोमेटिक एलिमेंट जो है 95-99% ऑफ द एलिमेंट्स के अंदर होता है, 95-99। इसीलिए जो हीलिंग है, जो ट्रीटमेंट है और हीलिंग, ये दोनों डिफरेंट शब्द हैं। ट्रीटमेंट है बॉडी का, हीलिंग है बोथ बॉडी एंड माइंड की। अगर मैं अपने आप को डॉक्टर समझता हूँ तो उदास चेहरे के साथ भी, परेशान चेहरे के साथ भी, घर के अंदर डिस्टर्बेंस होने के साथ भी, अपने जीवन में स्ट्रेस होते हुए भी, बहुत परेशान जीवन होते हुए भी, मरीज को देखते हुए मैं उसको परफेक्ट ट्रीटमेंट लिख सकता हूँ। तेरे को बुखार है 1, 2, 3, 4, 5, मैकेनिकली मैंने उसको ट्रीटमेंट लिखा, उसके शरीर पर असर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं हीलर हूँ तो मैं अपनी वाइब्रेशंस को पावरफुल और पॉजिटिव रखते हुए उसकी साइकी को भी ट्रीट करूँगा और उसके साथ उस वाइब्रेशंस को अपने ट्रीटमेंट में भी डालूँगा। किसका असर पेशेंट के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, हीलर का या ट्रीटमेंट का? किसका ज़्यादा पड़ेगा? हीलर का पड़ेगा, हीलर का पड़ेगा। अब हीलिंग करने के लिए, किसी भी मरीज की हीलिंग करने के लिए सबसे पहले हीलिंग किसको करनी पड़ेगी? अगर एक व्यक्ति खुद बीमार हो तो वो दूसरे को ठीक कर सकता है? कर सकता है नहीं कर सकता? आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर मोहित, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, वी आर सो हैप्पी, हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ है, हम लोग अच्छी ड्रेस में बैठे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, आई हैव अ गुड कार, आई हैव अ गुड फैमिली। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो सिग्निफाई करती है कि हमारी लाइफ में हमको स्ट्रेस रहता है या हमारी लाइफ में हमको हीलिंग की ज़रूरत है? थके हुए मन की क्या निशानी है? थके हुए मन की जीवन के अंदर क्या निशानी है? जो चीज़ कंटिन्यूसली चलती है वो थक जाती है। थके हुए मन की क्या निशानी है? अच्छा, हम में से किस किस को कभी कभी ज़्यादा नहीं आता, वैसे मुझे नहीं लगता आप में से किसी को आता होगा, यू डोंट लुक टू बी, आप सब लोग बड़े स्माइलिंग फेसेस हैं, आप में से किसी को कभी कभी भी गुस्सा आता है? आता है, लगता तो नहीं है किसी के चेहरे से, गुस्सा आता है नहीं आता? किस किस को गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल भी हाथ उठाओ। गुस्से के छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उसके मल्टीपल बेबीज हैं। गुस्से के साथ साथ इरिटेशन आता है किसी को कभी कभी? इरिटेशन एक दिन में भी आ जाता है 2-3 बारी, कभी कभी एक घंटे में भी आ जाता है बार बार। गुस्सा इरिटेशन भी आता है कभी कभी, ईर्ष्या, घृणा, हेट्रेड, जेलेसी भी आ जाता है कभी कभी, कॉम्पिटिशन की फीलिंग भी आ जाती है कभी, कंप्लेन भी आ जाता है कभी, एक्सपेक्टेशंस भी आ जाती हैं। तो सबको कुछ कुछ आता है। अगर ये चीज़ें आती हैं तो पता है ये किस चीज़ का निशान है? ये बार बार आपका मन घंटी बजा कर कह रहा है कि मेरा मन थका हुआ है, आई नीड रेस्ट। अगर एक व्यक्ति के मन में गुस्सा है, एक व्यक्ति के मन में इरिटेशन है, एक व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, घृणा, कॉम्पिटिशन, नेगेटिविटीज़ हैं, तो ऐसा मन दूसरे दुखी मन को हील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कर सकता है नहीं कर सकता, आप बताओ, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, येस और नो, जोर से बताइए। आप अच्छा बोलोगे, शब्दों से बोलोगे कि बहुत खुश रहना है, परेशान नहीं होना है, और डॉक्टर का मन खुद ही अंदर से परेशान है, बहुत दुखी है। आज हमारी लाइफ इसी प्रकार से बन गई है। तो आज के इस वंडरफुल सेशन में हम लोग अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल करेंगे। आज पता है डॉक्टर्स ने अपनी लाइफ में दो वर्ड्स एसोसिएट कर लिए हैं, ये दो वर्ड्स हमारे जीवन में वायरस से भी ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं। आप में से देखो, मैं दीदी से पूछा था कितने सारे डॉक्टर्स को इनवाइट किया होगा, लेकिन सब कहते हैं अपनी लाइफ में, डॉक्टर्स कहते हैं क्या दो शब्द हैं, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। होता है सबके साथ, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम।
हर जगह मैं जहाँ पे ट्रैवल करता हूँ ना, ऑल ओवर वर्ल्ड कितनी कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे जाऊँगा, इज़ अ बिजी कार्डियोलॉजिस्ट, टिपिकल स्केड्यूल स्टार्टिंग एट 3:15 AM इन द मॉर्निंग, रात को 11-12 बजे तक काम कर रहे हैं, 3-4 घंटे सो रहे हैं, लगातार कार्य चलता रहता है। लेकिन पिछले 37 ईयर्स में मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इन दो शब्दों को अपने साथ एसोसिएट नहीं होने दिया। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी करो, बिजी हूँ, इमेजिन करो, इमेजिन करो, जब मैं मॉर्निंग जाता हूँ वहाँ पे ऑलमोस्ट 25-30 पेशेंट्स मॉर्निंग के अंदर कैथ लैब के बाहर बैठे होंगे, और मैं जा रहा हूँ, गुस्से के अंदर हूँ, चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, कह रहा हूँ जल्दी करो, और वो मरीज़ कहेगा क्या इस डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट करना है? आप सोचो उसकी हालत क्या होगी। इमेजिन करो कि एक डॉक्टर चीखता चिल्लाता से एंटर कर रहा है, मन परेशान है, मन बहुत दुखी है, वो इसको डांट लगा रहा है, उसको कर रहा है, वो पूछेगा मेरा ऑपरेशन कौन करेगा? ये डॉक्टर करेंगे। अरे बाप रे, इसके साथ टेबल पे लेटूंगा, ये मुझे हाथ लगाएगा, किस वाइब्रेशंस के साथ करेगा, उसके तो माथे पर ही पसीने आ जाएंगे। तो इसलिए जीवन के अंदर कभी भी मैं जाऊंगा ना, मैं बड़े प्यार से सबको प्रणाम कर दूंगा मॉर्निंग के अंदर, सबको हाथ रख दूंगा, मुस्कुरा दूंगा, तो जैसे ही आप मुस्कुराओगे वो कहेंगे वाह सुकून है, इनके हाथ में मैं सेफ हूँ। और आप सोचो कि पेशेंट टेबल पर लेटा, आपने उसको ड्रेप कर दिया, और ड्रेप करते ही पेशेंट तो कॉन्शियस है, और आप चीखना चिल्लाना मचा रहे हो, कहते डॉक्टर साहब कहाँ, डॉक्टर साहब कहाँ, कहाँ है डॉक्टर साहब, जिस तरह से एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी जब भी हम अपने जीवन में इस एनर्जी का उपयोग करेंगे 50-100% स्ट्रेस हमारी लाइफ में बढ़ जाएगा। इसलिए आज सबसे पहले हम कुछ लोग इन दो शब्दों को अपनी लाइफ से डिलीट करें, यस और नो बताओ भाई, कहोगे तो करेंगे नहीं तो नहीं, क्यों सर बताइए, करना या नहीं करना चाहिए या बिजी अच्छा रहना चाहिए, आप मुख से बताओ, यस और नो, यस करना चाहिए। आप में से कौन कौन कहता है नहीं करना चाहिए वो हाथ उठाओ, थोड़ा सा बिजी होना चाहिए हमको, हाँ। चलो आज हम इस बिजी शब्द को अपनी डिक्शनरी से डिलीट करते हैं, और इसके साथ हम एक और शब्द को अपनी लाइफ में इम्बाइब करते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सब लोग, बोलेंगे सब लोग, सब कहेंगे जोर से आवाज में, कहेंगे अपने आप से इतनी कि मेरा मन अंदर से उसको ग्रहण कर ले, ओके। क्या शब्द है? फ्रॉम टूडे, आवाज ही नहीं आती है, पता नहीं पुणे के डॉक्टर्स कैसे हैं, एनर्जी नहीं है क्या? यहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हाँ बहुत सारे वंडरफुल वंडरफुल स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ से सेंटर से करके गए हैं। आवाज पावरफुल, फ्रॉम टुडे आई एम नॉट बिजी बट आई एम बी इजी इन माई लाइफ। देखो बिजी शब्द में एक और शब्द क्या छुपा हुआ है, बी इजी, बिजी हूँ बिजी हूँ। अब कोई बोले ना बिजी हूँ, कहते नहीं भाई बिजी मत बोलो मुझे, मैं हमेशा बोलता हूँ प्लीज डोंट से आई एम बिजी, आई एम बिजी आउटसाइड बट आई एम बी इजी इनसाइड। वंडरफुल है ना, वंडरफुल है ना। आप सोचो आप जब आ रहे हो, आपका चेहरा अगर ऐसा, आप जितने भी बड़े डॉक्टर हो, आपके पास कितनी भी शफा हो, लेकिन आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे डॉक्टर को देखेगा, अंदर एंटर करेगा क्लिनिक, होगा वाह इस डॉक्टर को देखते ही सो कंफर्टेबल, मेरी आधी बीमारी दूर हो गई, इनके हाथ में इनके सानिध्य में मैं बिल्कुल परफेक्ट और हील्ड हूँ। मज़ेदार बात है ना, तो मेरे पास समय भी है, और जितना टाइम कहते हैं ना जल्दी करो, टाइम नहीं है जल्दी करो, हाँ बोलो शॉर्ट में बताओ क्या हेल्प कर सकता हूं मैं आपकी। केवल ये दो चीज एक दिन के लिए करो, आपकी लाइफ कंफर्टेबली हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। आज देखो हमारी लाइफ में स्ट्रेस, हमारी लाइफ में, अगर आगे भी आ सकते हो, अगर किसी को पीछे नहीं दिख रहा है यू कैन कम इन फ्रंट, है ना, बिल्कुल आराम से आ सकते हो। आज हमारी लाइफ में लोगों का प्रेशर, सिचुएशंस का प्रेशर, लोगों के संबंधों का प्रेशर, ये सब हमको गैमट ऑफ इमोशंस देता है, मल्टीपल इमोशंस देता है, और हमारे जीवन का जो तनाव है ना, स्ट्रेस, दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द सिचुएशन। प्रेशर हमको कहाँ से आएगा? पेशेंट से आएगा। बहुत हाई रिस्क प्रोफेशन है हमारा, वेरी हाई रिस्क प्रोफेशन। मुझे याद है 1998 में मैं एक दिन चीखता चिल्लाता घर पर आया, मेरे मदर गायनेकोलॉजिस्ट ने, मैंने कहा क्या है मम्मी, जब देखो जिसको पेशेंट रोता हुआ सा आ जाएगा, इट इज़ सो स्ट्रेसफुल। तो उन्होंने प्यार से मुझे अपने पास बैठाया, कहती हैं बेटा डू यू एक्सपेक्ट कि पेशेंट तुम्हारे पास गुलदस्ता लेकर मुस्कुराता हुआ तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आएगा कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ मेरा इलाज करो? इट इज़ नॉट पॉसिबल। द पेशेंट इज इन पेन, वो तो दर्द के साथ ही तुम्हारे पास आएगा ना। यू हैव टू बी वेरी वेरी पावरफुल।
इस चीज़ को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो प्रेशर ऑफ द सिचुएशन, लोगों की व्यवहार, प्रोफेशन का, हर जगह से प्रेशर पड़ेगा, तो वो डायरेक्टली मेरे को स्ट्रेस दे सकता है। लेकिन उस स्ट्रेस को डाइल्यूट करने के लिए सेकेंड तरीका है अपने मन की शक्ति को पावरफुल करना। तो दो तरीके हैं, या तो बाहर के लोगों का स्ट्रेस कम करूं या अपने आप को पावरफुल करूं। कौन सा बेटर है, पहले वाला या दूसरे वाला? को पहले वाला या दूसरे वाला? सिंपल, मैं अगर आपको कहूं कि आप मेरे अनुसार काम करो, आप करोगे? आप कहोगे क्यों करूं, मैं तो अपने हिसाब से करूंगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं अपने आप को इतना पावरफुल बना लेता हूं कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास स्ट्रेस लेकर आएगा तो मेरी वाइब्रेशंस जो हैं उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस को, उसकी पेन की वाइब्रेशंस को कंप्लीटली चेंज कर देंगी, उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगी। ये है हीलर की पावर, ये हीलर की पावर। केवल 100, 200, 500 की फीस लिया, उसको दवाइयां लिखी, ये हमारा 50% ऑफ द जॉब है। 50 भी नहीं, 25% ऑफ द जॉब है। आधी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, ये गिफ्ट टाइम, क्वारंटाइन छोड़ो, वो अपने आप हो जाएंगी। लेकिन जब आप उसको सुकून देते हो, पावर देते हो, वाइब्रेशंस देते हो, वो कंप्लीटली उसकी लाइफ को चेंज करके ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो आज हम सब बहुत सुंदर सुंदर यात्रा पर चलेंगे, जितने चैलेंजेस हैं लाइफ के, जितनी भी चीज़ें, उन सबको चेंज करते हुए आज हम इमोशनल आउटबर्स्ट के बारे में बात करेंगे। हमारे जीवन में इमोशंस क्यों आते हैं, और अगर आते हैं, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दीज इमोशंस? आप खुद ही देखोगे, अपनी इलाज, अपने मन का इलाज आप खुद ही करोगे। सिंपल फिनोमेनास को हम डिस्कस करेंगे, और अगर चेंज करना है तो किसको करना है और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस लानी है, और फिर हम थोड़ी सी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके एक बहुत सुंदर यात्रा का आरंभ करेंगे। अगर पुणे के अंदर पावरफुल वाइब्रेशंस लानी है, हीलिंग वाइब्रेशंस लानी है, तो केवल 20-30 लोग इनफ हैं, बाकी सबको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से किस किस की प्रैक्टिस है, हाथ उठाओ, किस किस की प्रैक्टिस है? सभी डॉक्टर्स की प्रैक्टिस करते हैं, आप भी डॉक्टर हैं, है ना? किस चीज़ के हैं आप? हाँ, वेटनरी डॉक्टर। आप और आप में से कौन कौन और जनरल प्रैक्टिस करते हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, और कोई स्पेशलिस्ट कौन कौन है, वो हाथ उठाओ। आप किस चीज़ की करते हैं? एनेस्थीसिया। आप? साइकोथेरेपी। आप? वेरी गुड। तो मल्टीपल प्रैक्टिस, अगर हम अपनी वाइब्रेशंस को पावरफुल करेंगे तो जो भी मेरे पास आएगा वो परमानेंटली क्योर और ठीक होकर जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। तो चलो आज के लेसन को हम आरंभ करते हैं। किसी ने सुना है, लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% ऑफ हाउ वी रिएक्ट टू इट। सुना है ना सभी ने? सभी ने सुना है इस सेइंग में आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है? बचपन से हम लोग इसको सुनते आए हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस सेइंग, इन दिस वर्ड? क्या है प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई सम वर्ड विच इज वेरी इनअप्रोप्रिएट इन दिस? हाँ, व्हाट? रिएक्ट, वेरी गुड। वाई? वेरी नाइस। द चैलेंज इज द वर्ड रिएक्ट। व्हेनेवर वी रिएक्ट, अवर रिएक्शन इज इंस्टेंटेनियस, इट इज ऑफन अ बर्स्ट। वो कभी कभी इमोशनल अनबैलेंस्ड भी हो सकता है, और वो जजमेंटल और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आप में से सब लोगों को हमारे रिट्रीट सेंटर पर बुलाया गया, और सब लोग अपनी गाड़ी में बैठकर पुणे के ट्रैफिक के अंदर निकल पड़े। सपोज आप निकले, अपनी गाड़ी में बैठे, और आपको इस सेंटर पर आना है, 6 बजे का टाइम है। इस प्रकार के ट्रैफिक में आप लोग सब फंस गए हैं। 100 ऑफ अस आर स्टक अप इन दिस ट्रैफिक। माई क्वेश्चन टू यू इज वेरी सिंपल। आप में से हम सब का जो बिहेवियर है, जो बिहेवियर है, वो सब का इस ट्रैफिक के अंदर सेम होगा या अलग अलग होगा? कौन कौन कहता है सेम होगा? कोई है? सबका अलग अलग होगा। सिचुएशन सेम है, सिचुएशन इज एब्सोल्युटली सेम, लेकिन बिहेवियर हम सबका अलग अलग है। हम में से 95% लोग हमारे लाइफ के अंदर सबसे पहले इरिटेट होंगे। थोड़ी इरिटेशन के बाद हॉर्न बजाते हुए हम लोगों को गुस्सा ज़्यादा आ जाएगा, और हमें से कुछ लोग कंप्लीटली, आपने देखा है, अपने रोड पर बाहर आकर वो चीखा चिल्लड़ मचा रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं आपस में। दिस इज 95% ऑफ अस। लेकिन हमें से 5% लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर उस ट्रैफिक का कोई असर नहीं होता,
वो लोग आराम से शांति में गाड़ी में बैठे रहते हैं, वो फ़ोन कर देंगे मैं कुछ कर नहीं सकता भाई, आई एम स्टक अप इन दी ट्रैफिक, मैं आराम से म्यूज़िक सुनता हूँ, लैपटॉप पर काम करता हूँ, कंफर्टेबल रहता हूँ, मन के ऊपर उसका असर नहीं होने देता हूँ, नहीं होने देता हूँ, है ना। तो दो प्रकार के लोग हैं, सिचुएशन सेम है, ट्रैफिक बिल्कुल सेम है, सभी इसी ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं, मंजिल भी सेम है लेकिन बिहेवियर अलग अलग है। मेरा प्रश्न आपसे है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अवर बिहेवियर? सिचुएशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अवर बिहेवियर और वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अवर बिहेवियर? कौन कौन कहते हैं हम लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, हाथ उठाओ। सब लोग कहते हैं हम रेस्पॉन्सिबल हैं, दैट मीन्स सिचुएशन का कोई भी असर नहीं है, सिचुएशन का कोई भी असर नहीं है, वो बाहर है सेम है लेकिन मेरा बिहेवियर गुस्से का भी अलग अलग ग्रेड में निकलेगा और कूलनेस का भी अलग अलग ग्रेड में निकलेगा। हम में से 95% लोग ऑटो पायलट मोड पर काम करते हैं, ऑटो पायलट मोड पर, जिसको रिएक्टिव बिहेवियर कहते हैं। जैसे आपने राइटली बोला, सिचुएशन आई रिएक्ट किया, सिचुएशन आई रिएक्ट किया। आज के डॉक्टर्स जो केवल ट्रीट करते हैं, डॉक्टर पेशेंट आया रिएक्ट किया, उसने कुछ बोला रिएक्ट किया, पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप स्पॉइल होती जाती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लैक ऑफ ट्रस्ट है। पेशेंट आएगा उसको शक होगा, डॉक्टर आएगा उसको शक होगा, पता नहीं ये मेरी बात पर विश्वास करेगा नहीं करेगा, डॉक्टर पेशेंट कहेगा पता नहीं ये डॉक्टर किस प्रकार का है, क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट हमारे जीवन में समाप्त हो गया है। लेकिन जो रिएक्टिव बिहेवियर है उसको रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में, जो रिएक्टिव है उसको रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में चेंज करने के लिए एक सब ग्रुप है, जो 5% सब ग्रुप है, वो उस स्टिमुलस के बाद, उस पिन के बाद अपने मन को रुकना सिखाता है, उसको पॉज देता है, उसको शांति में बिठाता है। जब भी हम अपने मन को पॉज देते हैं, जब भी हम अपने मन को कुछ पल के लिए रोकते हैं, हमारा बिहेवियर रिएक्शन से रिस्पॉन्स, रिएक्टिव से माइंडफुल बिहेवियर के अंदर, ऑटो पायलट से माइंडफुल बिहेवियर के अंदर चेंज हो जाता है। इट्स ओनली द गेम ऑफ अवर माइंड। मन को रुकना सिखाया, मन को ख्याल करना सिखाया, मन को समझाया कि इस परिस्थिति के अंदर ये बिहेवियर इज मोर अप्रोप्रिएट। परिस्थितियां रहेंगी, परिस्थितियां परिवार से आएंगी, परिस्थितियां प्रोफेशन से आएंगी, नेचर से आएंगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी से आएंगी, सोशल लाइफ में आएंगी, लेकिन हर परिस्थिति के होते हुए भी बीच में सेंटर्ड हम हैं। अगर हम परिस्थिति को चेंज नहीं करना चाहते तो सबसे पावरफुल तरीका है अपने आप को एम्पावर कर लेना, अपने आप को एम्पावर कर लेना। और अगर अपने आप को एम्पावर करना है तो किसको करना है? केवल अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। आज पूरे दिन हम लोग पता क्या बोलते हैं, अपने पेशेंट्स को बोलते रहेंगे कि भाई तुम अपने बिहेवियर को चेंज करो, बिहेव प्रॉपर्ली, घर में कहेंगे बिहेव प्रॉपर्ली, बच्चों को कहेंगे बिहेव प्रॉपर्ली, अपने बिहेवियर को चेंज करो। कभी भी आप किसी के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं? कैन यू टेल समबडी टू बिहेव प्रॉपर्ली? अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि अपने बिहेवियर को खुशनुमा बनाओ, आप कहेंगे ठीक है मैं करता हूं, एक दिन करेंगे, आधा दिन करेंगे, उसके बाद अगेन बैक टू दी सेम चीज। कभी भी किसी के व्यवहार को चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे बिलीफ सिस्टम का फंक्शन है, हमारी मान्यताओं का फंक्शन है। उस ट्रैफिक को देखो, 95% लोगों ने उस ट्रैफिक में माना, उनका बिलीफ था कि ट्रैफिक इज इक्वल टू स्ट्रेस, और क्योंकि उनके मन ने ये माना तो उनका बिहेवियर कैसा आया? गुस्से वाला आया। एग्रीड? एग्रीड ना? बिल्कुल, क्योंकि प्रोग्रामिंग मन की इसी प्रकार की थी। लेकिन उनमें से 5% लोगों का प्रोग्रामिंग क्या थी? इस ट्रैफिक का मेरे मन के ऊपर कोई भी असर नहीं है, उनका बिलीफ डिफरेंट था। और क्योंकि उन्होंने माना कि मेरे ट्रैफिक, इस ट्रैफिक का मेरे मन पर कोई भी असर नहीं है, तो उनका बिहेवियर कैसा था? कूल था, रिलैक्स था। तो बिहेवियर को चेंज करना चाहिए, बिलीफ को चेंज करना चाहिए, बिलीफ को, मान्यताओं को चेंज करेंगे, मान्यताओं को एविडेंस के साथ चेंज करेंगे, रैशनल के साथ चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा व्यवहार बदल जाएगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसीलिए परिवर्तन लाना है तो स्वयं के अंदर परिवर्तन लाना है। वी हैव टू ब्रिंग दैट चेंज इन अवर ओन सेल्फ। एक बारी एक कुम्हार था, वो बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। तो मिट्टी के बर्तन बनाते उसने एक दिन चिलम बनाई, चिलम जानते हैं, हुक्का, बहुत सुंदर चिलम बनाई, डेकोरेट किया, उसको डेकोरेट करके सामने रख दिया।
और थोड़ी देर बाद उसने उस चिलम को तोड़ दिया और तोड़कर मिट्टी में मिला दिया। तो मिट्टी उससे पूछती है कि हे कुमार, तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई, तूने इस चिलम को तोड़ क्यों दिया? तो उस कुमार ने बोला, नहीं, मेरा मन बदल गया है, अब मैं चिलम नहीं बनाऊँगा, अब मैं एक सुराही बनाऊँगा। तो मिट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुमार, तेरा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। तो उसने कहा, ऐसा क्यों बोलते हो? तो उस मिट्टी ने बोला कि पहले तू चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूँगी और औरों को भी शीतलता दूँगी। Isn't it? This relates so beautifully with our own life. जिस प्रकार के विचार हम लोग अपने मन के अंदर डालेंगे, वही मैनिफेस्ट करके मेरे बिहेवियर के अंदर आएंगे, वही हमारे जीवन का एक कॉन्सिक्वेंस बनेंगे। इफ वी डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन माई लाइफ। अगर मैं पेशेंट को बोलता रहूंगा, आज हम बोलकर किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आज परिवर्तन लाना है तो उस परिवर्तन को हमें स्वयं अपने मन के अंदर, अपने जीवन के अंदर सबसे पहले लाना पड़ेगा, सबसे पहले लाना पड़ेगा। सो द फर्स्ट मैसेज इज कि इफ आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस इन माई लाइफ। अगर परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन किसको लाना है? मुझे अपने जीवन में स्वयं लाना है, स्वयं लाना है। आप में से कोई इस पिक्चर को देख रहा है? कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हो जाइए जो आज पहली बार आए हैं या नए आए हैं। कौन खड़ा हो सकता है बताइए? एनी बडी फ्रॉम दिस साइड, कौन खड़ा हो सकता है? इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। एनी पर्सन? यस, कम ऑन, गेट अप प्लीज। देखो ना, क्या दिख रहा है आपको इस फोटो के अंदर, बताइए। अरे, एनी बडी? क्या क्या दिख रहा? हाँ, बोलो ना, खड़े होके बताओ प्लीज। यू आर एबल टू सी 1, 2, 3, 4, 5 चीजें जो दिख रही हैं, बताइए। 1, व्यक्ति एंजॉय कर रहा है, बजा रहा है। 2, और देखो ना, और क्या क्या दिख रहा है इस फोटो के अंदर आपको? हाँ, समुंदर। 3, 4 पेड़। 5, एंड पीछे क्या दिख रहा है? स्काईलाइन दिख रही है, राइट? परफेक्ट, सब एग्री करते हैं इस बात से? आर यू एबल टू सी दैट? हाँ, अच्छा, आप कोई और खड़ा हो जाइए, आप खड़े हो जाओ। एनीबडी? या कम ऑन, गेट अप प्लीज। देखो ना, अब आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, मैडम बताइए। व्हाट आर यू एबल टू सी इन दिस पिक्चर? यस, बताइए। पियानो। पर्सन इज लाइंग ओवर द पियानो, बिल्कुल ठीक। और समुंदर है, ट्री है, और पीछे स्काईलाइन है। एग्रीड? सभी लोग एग्री करते हैं इस बात से, है ना? अच्छा, अब आप एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये लड़का जो है ये पियानो के ऊपर लेटा है, तो सही है गलत है? नहीं, पियानो के ऊपर लेटा है भाई। मैं पियानो के ऊपर लेटा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा वैसे? नहीं, अगर मैं आपको बोलूं ये रेत के ऊपर लेटा है, सही है? नहीं, ध्यान से सुनो, डोंट सी इन दिस। अगर मैं आपको बोलूं कि ये लड़का पियानो के ऊपर लेटा हुआ है अपेरेंटली, जैसे पहले पियानो बजा रहा था, अब लेटा हुआ है, राइट और रॉन्ग? राइट, परफेक्ट है, दिख रहा है ना, पियानो के ऊपर है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये लड़का समुद्र के किनारे लेटा हुआ है, राइट और रॉन्ग? राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि ये रेत के ऊपर लेटा हुआ है, राइट और रॉन्ग? अगर मैं आपको बोलूं कि ये रेत के किनारे ऊपर, पियानो के ऊपर समुद्र के किनारे लेटा हुआ है, राइट और रॉन्ग? राइट, सब स्टेटमेंट्स राइट हैं, लेकिन कौन सा रॉन्ग है, कौन सा राइट है? सब राइट हैं। इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन माय ओन पर्सपेक्टिव। जब आपके पास, आप कभी कभी किसी व्यक्ति को ये बोलते हैं, बहुत इरिटेटिंग व्यक्ति है, बोलते हैं सब लोग, सबके साथ होता है कभी, ये व्यक्ति बहुत इरिटेटिंग है, सबके साथ हुआ है? नहीं, यस और नो बताओ। अच्छा, अब एक बात बताइए, जो व्यक्ति आपके लिए इरिटेटिंग है, वो व्यक्ति आपके लिए भी उतना इरिटेटिंग होगा? वो व्यक्ति आपके लिए भी इरिटेटिंग होगा? जिसने आपको बहुत इरिटेट किया, हो सकता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो? हाँ, व्यक्ति तो सेम है। तो उसको इरिटेटिंग का लेबल देना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर? किसके ऊपर करेगा? पक्का? एग्रीड? कन्विंस्ड? बिल्कुल, बैठ जाओ, यू आर कन्विंस्ड। दैट मीन्स कोई भी सिचुएशन को इरिटेटिंग लेबल करना, कोई भी व्यक्ति को इरिटेटिंग लेबल करना, कोई भी सिचुएशन को नेगेटिव लेबल करना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है?
हमारे ऊपर डिपेंड करता है. लाइफ इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स. माय सेकंड मैसेज, हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन के अंदर सब कुछ परिवर्तित कर देता है. व्हेन वी चेंज अवर पर्सपेक्टिव वी चेंज एवरीथिंग इन अवर लाइफ. डॉक्टर वॉन डॉयर ने बहुत सुंदर कहा है, इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स द थिंग्स यू लुक एट दे चेंज. इफ यू चेंज द वे यू लुक एट पीपल द पीपल यू लुक एट चेंज. एंड इफ यू चेंज द वे यू लुक एट सिचुएशंस द सिचुएशंस यू लुक एट दे ऑल्सो चेंज. एक दिन के लिए सेकेंड एक्सरसाइज जो हम सब लोग करेंगे वो एक्सरसाइज क्या होगी कि हम हर मरीज को, हर व्यक्ति को, हर सिचुएशन के अंदर क्या देखेंगे, पॉजिटिव देखेंगे या नेगेटिव देखेंगे, कैसे देखेंगे, दर्द में है, आई एम अ हीलर, आई एम अ शक्ति, आई एम अ पावर. कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का होगा, वो व्यक्ति दर्द में है, मुझे उसके दर्द को ना देखते हुए उसको एक पावरफुल हील्ड रूप में देखना है, उसको एक सुंदर रूप में देखना है, उसको एक हेल्दी रूप में देखना है, मुझे उसके दर्द से अपने मन को इन्फ्लुएंस नहीं करना है. कोई बहुत इरिटेटिंग पेशेंट आएगा, कोई रिलैक्स पेशेंट आएगा, इट डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज माय ओन पर्सपेक्टिव इन माय लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज एक दिन के लिए हमारी लाइफ में, हमारे परिवार के अंदर लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे, सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं होंगी, परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होंगी, हमारे परिवार में हस्बैंड वाइफ बच्चे भी हमारे अनुसार नहीं होंगे. फिर हम क्या करेंगे, हम उनके ऊपर गुस्सा करेंगे, करेंगे गुस्सा करेंगे, इरिटेट होंगे, यस और नो, आज होंगे या नहीं होंगे, यस और नो, थोड़ा सा हो जाए, इतना सा, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा, नॉट अलाउड. फॉर वन डे डोंट डू इट, डोंट रिएक्ट, जस्ट रिस्पॉन्ड, बी पीसफुल, वेरी शांत, स्माइलिंग चेहरे से प्रोग्राम कर लो, ट्यून फिक्स्ड, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई बिहेवियर, आई एम रिस्पॉन्सिबल कंप्लीटली. बाहर जाती सिचुएशन आ जाएगी, गाड़ी आएगी, ट्रैफिक आएगा, कुछ आएगा, शांत, वेरी रिलैक्स वाइब्रेशंस दो, उसको हील करो, यू विल फील वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी वंडरफुल. इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड. 50,000 थॉट्स इज व्हाट यू आर जनरेटिंग टुडे. और उन 50,000 संकल्पों में से, आउट ऑफ द 50,000 थॉट्स दैट यू जनरेट, 95% थॉट्स आर रिपीटेटिव एंड वेस्ट. 95% ऑफ आवर थॉट्स आर रिपीटेटिव, वेस्ट, नेगेटिव एंड यूजलेस थॉट्स. ओनली 5% हमारे विचार पॉजिटिव एंड पर्पजफुल हैं. तो आप सोचो, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ. अगर हमारी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है, इतना वेस्ट है, तो व्हाट विल द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन अवर अर्थ. हमारा एक एक विचार, हमारा विचार हमारे जीवन में हमारा व्यवहार बनाता है, और हमारा व्यवहार हमारे जीवन में इमोशंस और फीलिंग्स को जनरेट करता है. इसीलिए कहा जाता है, सोचने से भी पहले सोच कर देखो कि ये विचार मेरे जीवन के अंदर और अन्यों के जीवन के ऊपर कितना असर, शक्तिशाली असर डालेगा. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अवर थॉट्स ऑन अवर लाइफ एंड ऑन अवर माइंड. टेक केयर ऑफ योर थॉट्स, वेरी पावरफुल. लिखो, एक एक विचार को शक्तिशाली बनाओ. सोचा ही तो था. आप में से कल कौन कौन आया था, कोई था शाम को कल प्रोग्राम के अंदर, 1, 2, 3, 4, आई थिंक 3 या 4 लोग थे. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सेशन yesterday. एक एक विचार हमारे जीवन के अंदर हमारे डेस्टिनेशन को, हमारी लाइफ को निर्माण कर रहा है. इट इज क्रिएटिंग अवर ओन डेस्टिनी इन अवर लाइफ. तो इसलिए टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग. आपकी लाइफ के अंदर अपने विचारों को सकारात्मक, अपने विचारों को पॉजिटिव और पावरफुल बनाओ. रीडिजाइन देम, रीप्रोग्राम देम, रीइन्वेंट देम, रीजुविनेट देम, रीक्रिएट देम विद लव, विद पीस, विद पॉजिटिविटी एंड विद जॉय एंड हैप्पीनेस. एक एक संकल्प को शक्तिशाली और पावरफुल बनाओ. इतनी शक्ति हमारे संकल्पों के अंदर है. करेंगे आज एक दिन के लिए थर्ड एक्सरसाइज, हाँ, अपने संकल्पों को हर एक के लिए पॉजिटिव और पावरफुल रखना. हर एक के लिए, कैसा भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आए, मुझे केवल पॉजिटिव विचार अपनी लाइफ में उत्पन्न करने हैं. सी दैट पर्सन इज अ वेरी पावरफुल पॉजिटिव सोल.
प्रोएक्टिव, ठीक हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, दे आर एब्सोल्युटली फाइन. जब हम हर एक आत्मा, हर व्यक्ति के लिए गुडनेस देखेंगे, अच्छाई देखेंगे, तो हम उस अच्छाई को अपने जीवन में ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे. इट्स ऑल माय ओन पर्सपेक्टिव जो मैं उसके अंदर देखना चाहता हूँ. तभी एक व्यक्ति किसी के लिए इरिटेटिंग है, एक व्यक्ति किसी के लिए पॉजिटिव और पावरफुल है. तो इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक, डिटर्मिंड, स्ट्रांग एंड पावरफुल इन माय लाइफ. हमारे विचार ही हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं. तो थर्ड एक्सरसाइज इज दैट सी फॉर गुडनेस इन एवरीवन. एक दिन के लिए कितना भी व्यक्ति खराब हो, कैसी भी सिचुएशन मेरे सामने आए, मुझे हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई को देखना है, पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करना है और पॉजिटिव अपने जीवन के अंदर रहना है. फोर्थ, हम लोग रोज भोजन करते हैं तो भोजन शरीर के लिए भी आवश्यक है और मन के लिए भी आवश्यक है. दोनों के लिए भोजन आवश्यक है ना. टुडे आज साइंस हमको कहती है कि जैसे आप अपने शरीर को भोजन खिलाते हो, तो कहते हैं ना भाई आज वायरस का टाइम है, हैव अ गुड डाइट, हेल्दी डाइट. तो शरीर के लिए अच्छा भोजन लो, हाई प्रोटीन्स लो, बहुत ज़रूरी है. लेकिन केवल प्रोटीन्स लेना ही हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है. वॉट इज टूडे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबाउट न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी. उस भोजन को शक्तिशाली बनाना, उसको चार वाइब्रेशंस देकर एम्पावर करना, और वो चार वाइब्रेशंस हैं परमात्मा का प्यार. चर्च, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, हम जाते हैं मस्जिद के अंदर, वहाँ पर हम जब भोग खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, आश्रम के अंदर हम खाते हैं, उसकी एनर्जी कैसी होती है, कितनी होती है, उसकी पावरफुल एनर्जी होती है. जब हम चरणामृत लेते हैं कहीं पर, वो पानी तो है, केवल पानी तो है, वो होली वाटर हम कहेंगे, उस पानी को पावरफुल कौन बना देता है? What makes that water so powerful? कौन बनाता है? हमारी vibrations बनाती हैं, वहाँ की energy बनाती है. इसीलिए भोजन और पानी को भी सकारात्मक शक्ति ज़रूर दो. परमात्मा की powerful vibrations, प्यार, उनकी शांति की vibrations, peaceful vibrations, प्यार की vibrations और परमात्मा के प्रति thanks. जब रोज हम अपने भोजन को इस प्रकार की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं, वो भोजन हमारे तन और मन दोनों के लिए शक्तिशाली बन जाता है. हम हीलर्स हैं, हीलर्स को केवल भोजन नहीं खाना है. अपने डॉक्टर्स में, अपने हर पेशेंट को, हार्ट अटैक के हर मरीज को मैं कहता हूँ, जब भी सवेरे दोपहर शाम खाओ. हमारे गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके अंदर वन ऑफ द मेजर चीज़, वन ऑफ द मेजर एक्शंस इज कि भोजन को शक्तिशाली बनाकर खाना है, एनर्जाइज करके खाना है. और एक दिन भी अगर हम दो मील्स को शक्तिशाली बनाकर खाते हैं, हमारा भोजन शक्तिशाली हो जाता है और हमारे संकल्प पॉजिटिव और पावरफुल हो जाते हैं. तो आज एक दिन के लिए फोर्थ एक्सरसाइज जो हम सब करेंगे, सब लोग करेंगे, आज लंच करेंगे, डिनर करेंगे और कल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी हम लोग करेंगे. आज का ब्रेकफास्ट तो आप यहाँ करके जाएंगे, बाबा के घर में प्रसाद खा के जाएंगे, लेकिन आज से शाम को दोपहर में जब हम भोजन करेंगे, पक्का करेंगे, आज एक दिन के लिए मेरे कहने से करेंगे, सब लोग करेंगे, परिवार में सबको टेबल पर बिठाकर, नो टेलीविजन, नो इंटरनेट, सबको बिठा देना. भाई आज मेरे कहने से आज हम इंटरनेट को बंद करते हैं. सास बहू सीरियल सामने कोई नहीं चलेगा, उसको देखते देखते सब ऐसे देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं. नो, नथिंग. भोजन को प्यार से, आराम से बैठकर एंजॉय करते हुए 10 सेकंड्स का हॉल्ट लेकर ये संकल्प देंगे कि ये भोजन मेरे तन और मन दोनों को शक्तिशाली बनाएगा. रेडी और नॉट रेडी फॉर वन डे? रेडी फॉर वन डे. कल आप नंबर लेकर जाना और कल मैसेज करना कि सर बहुत सुकून और शांति की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई. आप देखना कितना मन को आनंद मिलेगा, कितनी शक्ति मिलेगी, कितना पावर मिलेगा. हम कल भी दिखा रहे थे कि मासारू इमोटो के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा यही पानी की बूंदें, इन पानी की बूंदों को जब दो वाइब्रेशंस दी गई, एक को कहा गया यू आर अगली, यू आर अगली, और दूसरी पानी की बूंद को कहा गया यू आर सो लविंग, आई एम थैंकफुल टू यू, आप देखो दोनों का स्ट्रक्चर इन फ्यू सेकंड्स ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है. इट चेंजेस इनटू अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, इनटू अ डायमंड.
ना केवल ये, जब हम भोजन को ये शक्ति देते हैं, भोजन को नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं, हेट की वाइब्रेशंस देते हैं, तो वो भोजन कितनी जल्दी रॉट हो जाता है। लेकिन जब भोजन को सेम जगह पर पावरफुल और लविंग वाइब्रेशंस देते हैं, वो भोजन शक्तिशाली और पावरफुल रहता है, हेल्दी रहता है। आवर वाइब्रेशंस आर हैविंग अ वेरी पावरफुल अफेक्ट ऑन वॉट वी आर ईटिंग। You are what you are eating and what you are drinking. इसीलिए healers को स्वयं भी शक्तिशाली भोजन खाना है और दूसरों को भी खिलाना है। वो डॉक्टर जो कहते हैं मुझे टाइम नहीं है खाना खाने का, भी मुझे रात को 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, ये बिल्कुल गलत है। टेक आउट ओनली 5 मिनट्स, दिन के अंदर 5 मिनट तो उस चीज़ के लिए जिसके लिए कार्य करते हो, उस भोजन को परमात्मा की याद में सुकून से खाने के लिए समय तो निकालो। बहुत शांत, इसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं ना। उस भोजन को बहुत प्यार से शक्ति देकर अपने जीवन में उसको धारण करो। द फिफ्थ एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू इज, जैसे शरीर को भोजन देते हैं, उसी प्रकार अपने मन को इमोशनल डाइट देना भी बहुत आवश्यक है। आज पूरे दिन हमारे मन में क्या होता है, वी आर सराउंडेड बाय मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग, ट्विटर गुड मॉर्निंग, फेसबुक गुड मॉर्निंग, रात को भी गुड नाइट भी, व्हाट्सएप गुड नाइट, फेसबुक गुड नाइट। हाँ, पूरे दिन हमारी गुड नाइट गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप के साथ ही चलती रहती है, फेसबुक के साथ ही चलती रहती है, स्नैपचैट है, टेलीग्राम है, रोज सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है। आज हम लोग कहते हैं, आज से 10 साल 20 साल पहले आप लोगों को ध्यान है जब मोबाइल फ़ोन आए थे, इतने बड़े बड़े होते थे, और मुझे समय ध्यान है कि उस समय 10 रुपए की एक कॉल आती थी, हम लोग बात करते थे तो 5 सेकंड, जल्दी बोलो क्या काम है, हाँ मैं यहाँ आ रहा हूँ, रखो, हो गया बस बिल, ऐसे ही होता था। हाँ, उसके बाद फिर उसके अंदर इंटरनेट आया, उसके अंदर सोशल मीडिया आया, सब कुछ आता चला गया, तो फ़ोन तो हो गया स्मार्टफोन, हो गया ना फ़ोन स्मार्टफोन, ये फ़ोन हो गया स्मार्टफोन, हाईटेक फ़ोन, हाईटेक फ़ोन है ना, हाई टेक्नोलॉजी फ़ोन है, सब कुछ टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। स्मार्टफोन के अंदर ऐप्स भी आ गई, लेकिन एक बात बताओ, इस स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को क्या हुआ, क्या हुआ इस बैटरी लाइफ को, बढ़िया रही है कम हो गई, क्या हुआ, कम हुई है बढ़िया हुई, हाँ गायब हो गई बिल्कुल। हाँ, आज हम पावर बैंक लेकर चलते हैं, मैं भी पावर बैंक लेकर चल रहा हूँ, डिस्चार्ज ना हो जाए। अगर मैं आप सब लोगों को केवल ये कहता हूँ कि प्लीज़ अपना फ़ोन मुझे दे दो आधे घंटे के लिए यहाँ पर, कैसा लगेगा, केवल सोचो, करो नहीं, केवल सोचो कि डॉक्टर मोहित ने हमारा फ़ोन लेकर आधे पौने घंटे के लिए अपने पास रख दिया और रख कर नोटिफिकेशंस और उसको एरोप्लेन मोड में डाल दिया, कैसा लगेगा, ऑलरेडी अंदर से रेस्टलेसनेस आनी आरंभ हो जाएगी, वी आर एडिक्टेड टू फोन। इसी तरह आज से 20 साल पहले हमारी लाइफ थी, सुकून से भरी थी, आज हम स्मार्ट ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन हमारी बैटरी लाइफ को क्या हुआ, मन की बैटरी लाइफ को कम होती गई, खट डाउन होती गई। सब कुछ है हमारे पास, हाई टेक्नोलॉजी लाइफ है हमारी, लेकिन हाई टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में हमको सुकून नहीं देती, हाई टच हमारी लाइफ में समाप्त हो गया, हाई टच डिस्ट्रॉय हो गया, है ना, पूरे दिन इसी के साथ गिरे रहते हैं। बच्चे परिवार के अंदर एक घर में मम्मी पापा नीचे बैठे हुए हैं, बच्चे ऊपर कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, और एक ही घर के अंदर एक मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सएप आएगा, हाय मॉम हाउ आर यू, बच्चे मम्मी कहेंगे हाय बेटा हाउ आर यू, मम्मी मेरे को ये खाना भिजवा दो, वो कहेंगी मैं भिजवा रही हूँ, कमरे में 10 मीटर का डिस्टेंस को वो खाना ट्रैवल करता हुआ नाश्ता कूदता सा जा रहा है, बच्चे अपने घर पर ही बिस्तर पर वो भोजन कर रहे हैं, सामने टेलीविज़न चल रहा है, वी ऑल आर कनेक्टेड। एक घर के अंदर ही टेक्नोलॉजी ने हमारे घर में अनेकों घर बना दिए हैं। आज से करीब 25-30 साल पहले मुझे ध्यान है कि जब मैं घर पर आता था, अपना बैग ऐसे फेंकता था, मदर हमारी घर में खाना पका रही होती थी, मैं कहता था मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, वो कहती थी जाओ, मैं 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे खेलता था, 3 बजे निकल कर 7 बजे आ रहा हूँ, उनको कोई मतलब नहीं था कहाँ गया है, क्या करने आया हुआ है, 7:30 बजे घर पे घुस रहे हैं, मिट्टी से सने हुए, वो कहती थी आ गए, हाँ जी आ गए, चलो नहाकर आ जाओ, खाना खाने के लिए बैठ जाओ। और आज हम अपने बच्चों को फ़ोन करेंगे, कहाँ पर हो, अच्छा ठीक है बैठ गए गाड़ी में, बहुत बढ़िया, फिर 5 मिनट बाद कहाँ पर हो, गाड़ी से बाहर आ गए, बहुत बढ़िया, अब स्टेशन से बाहर आ गए, बहुत बढ़िया, स्कूटर मिला या नहीं मिला, बहुत बढ़िया, बैठ गए, नहीं बढ़िया, 5 मिनट हो गए अभी तक फ़ोन नहीं किया तुमने, जल्दी आ जाओ, एवरी टाइम दैट सेंस ऑफ फियर इज क्रीपिंग इन। कनेक्टेड होते हुए भी आज हम एक दूसरे से डिसकनेक्टेड हो गए हैं, ऐसी लाइफ जो है जिसको हम कहते हैं विच इज ड्राइविंग अस कंप्लीटली केजी।
सब कुछ होते हुए भी आज हम क्या जीवन में खुश हैं, या हमारी लाइफ इज चेंड बाय टेक्नोलॉजी, चेंड बाय टेक्नोलॉजी परफेक्ट तरीके से, हाँ, सवेरे से शाम हर प्रकार से हम लोग अपने आप को चेंड हमने बना लिया है। देखो अपने आप को, अपनी लाइफ को देखो आप। आज बहुत ज़रूरी है कि हाई कैलोरी कंजम्पशन जो है, हाई कैलोरी डिजिटल कंजम्पशन हमारे ब्रेन पर, हमारे थिंकिंग पर, हमारी प्रोडक्टिविटी पर, हमारे रिलेशंस पर, हमारी हेल्थ और वेलबींग पर बहुत असर डालता है। तो आज 1440 मिनट्स में से मैं आप लोगों को केवल कुछ मिनट्स आपकी लाइफ के लेना चाहूँगा। देंगे सभी लोग एक दिन के लिए डिजिटल डिटॉक्स, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा नहीं, वेरी इजी टू प्रैक्टिस, वेरी वेरी इजी टू प्रैक्टिस, आप लोग कंफर्टेबली कर पाओगे। कोशिश करें सब लोग, है ना, कोशिश करें सब लोग। रात को सोने जब हम आज जाएंगे, रात को जब हम सोने जाएंगे, रात को केवल आधा घंटा पहले, जिसको मैं 60-40-60 प्रिंसिपल कहता हूं, लेकिन इसके लिए आपके लिए डिस्काउंटेड 30-20-30-20 प्रिंसिपल कहते हैं हम लोग, ठीक है। रात को सोने से आधा एक घंटा पहले हम लोग केवल अपने मोबाइल की व्हाट्सएप और फेसबुक को ऑफ भी नहीं करेंगे, हम देखेंगे नहीं उसको, ज़रूरत नहीं है, उसको ख़त्म करो, स्विच ऑफ कर दो। कुछ समय पर मेडिटेट करो, रिलैक्स करो, कंफर्टेबल रहो, कोई चीज़ के लिए इन्जॉय करो, कुछ भी अच्छा अच्छा लिखो, और फिर परमात्मा की याद में अगले दिन लाइफ को डिज़ाइन करके सो जाओ। डन, हाफ एन आवर ओनली पॉसिबल है, हाफ एन आवर सब बच्चों को, भाई आज शांति से बैठेंगे, एंजॉय करो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठेंगे, फर्स्ट डे मॉर्निंग में उठते मोबाइल पे नहीं, रात को क्या क्या मैसेज आया जरा देखूँ मैं, रिप्लाई करूँ ना, नथिंग। मॉर्निंग में उठते गुड मॉर्निंग गॉड के साथ, हैप्पी गुड मॉर्निंग टू किसको, परमात्मा के साथ। मेडिटेट फॉर 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर। एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो। आज भी देखो, मैं पुणे के अंदर था, मॉर्निंग में मेरी 2 बजे नींद खुली, फिर मैंने कहा जल्दी है थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, 3:30-3 बजे उठकर मैंने मेडिटेट किया, फिर 4:45-4:50 हाफ कप ऑफ टी के बाद मैं वॉक के लिए निकल गया। मगर बट आई वॉज एक्सप्लोरिंग दी ओल्ड सिटी फॉर ऑलमोस्ट 1-1.5 आवर्स। आई हैड अ वंडरफुल वॉक, रिलैक्सिंग मेडिटेटिव म्यूजिक, आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग। इन्जॉय करो, रिलैक्स करो, उसके बाद पूरे दिन जितना यूज़ करना है मोबाइल करो, फुल छुट्टी है, पूरे दिन मोबाइल को ही देखते रहो, इट डजेंट मैटर, देखो। फिर शाम को आधा घंटा जब परिवार के साथ हो, फैमिली के साथ हो, आप सोचो कि आप हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, है ना, आप हमारे साथ बैठे हो, मैंने आपको अपने घर पर बुलाया, आप सबको चाय पर बुलाया, और आपसे बात करते हुए मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, इट्स सो नाइस टू सी यू, सब ठीक चल रहा है ना, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक चल रहा है, हाउ विल यू फील, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, नेचुरली आप कहेंगे अजीब हो, सामने बुला के मोबाइल पर लगे हो, इट डजेंट लुक गुड एट ऑल, यू नो। स्टडी आई है सैनफोर्ड से कि मेयरली प्रेजेंस ऑफ मोबाइल बिटवीन टू पीपल, आप देख भी नहीं, लेकिन मोबाइल की प्रेजेंस ही हमारे बीच में हमारी मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस को समाप्त कर देती है। इसलिए आधा घंटा परिवार के साथ खाना खाते हुए स्विच ऑफ, कंप्लीटली मोबाइल को शट ऑफ करके साइड में रख दो, कनेक्ट विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड कंफर्टेबली। जब आप एक दिन करोगे, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा। इट्स बीन 47 ईयर्स इन माई फैमिली, हम लोग कभी भी खाना अलग अलग नहीं खाते, एक डाइनिंग टेबल पर ही खाना परोसा जाता है, इट्स अ रूल फॉर 47 ईयर्स, नेवर विल एनीबडी हैव अ मील सेपरेटली इन दी बेडरूम और दी ड्राइंग रूम, नथिंग, सब टेबल पर चारों बैठते हैं, फादर गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट, मदर गायनेकोलॉजिस्ट, आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट, एंड मेरी छोटी बहन जो है, शी इज़ एंटरप्रेन्योर, रन्स अ वेरी बिग कंपनी, 4 पीपल एट होम, ऑल गुड कुक्स, खाना बनेगा उस समय, कोई डॉक्टर कोई कुछ नहीं है, सब रिलैक्स होकर फैमिली पे बैठेंगे, इंजॉय करेंगे, लड़ेंगे, बात करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे, कोई टेलीविजन नहीं चलता, रिलैक्सिंग एंड इंजॉय। एक दिन के लिए प्रैक्टिस करेंगे, करेंगे सभी लोग, करेंगे एक दिन के लिए इंजॉय, सही नए वाले भी करेंगे सब लोग, ट्राई करेंगे, पक्का करेंगे सब लोग, आज करना, आज कहना, आज मेरे लिए सबको करना है, देखना कितना आनंद आएगा, लगेगा आपको कि मेरे घर वाले भी कितने अच्छे लोग हैं, इनसे मिलना ही नहीं होता घर के अंदर, इनसे बात ही नहीं हो पाती है, थोड़ा थोड़ा इनके साथ भी बैठकर बात करूं, इनकी भावनाओं को भी मैं समझूं, व्हाट्सएप पर ही बात चलती रहती है, व्हाट्सएप पर ही हमारा कनेक्शन रहता है, कितना सुकून और आनंद आएगा। तो ये हो गई हमारी 5th एक्सरसाइज, और समय कम है तो मैं आपको बहुत सुंदर एक एक्सरसाइज बताकर फिर वाणी को विराम दूंगा, और वो है जैसे हमको जीवन के अंदर
सफाई चाहिए होती है। ये मैंने कल भी बात जिक्र की थी और आज मैं आप सब लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि वायरस को तो हम लोग हाथ धोकर मास्क के द्वारा हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन आज बहुत ज़रूरी है समझना कि इस प्रकार से अपने जीवन के भी नेगेटिव इमोशंस को क्या हम रोक सकते हैं। लोगों की बातों को अपने मन पर रखना, अपने मन पर धारण करना, ये ठीक नहीं है। हीलर का मन हमेशा पॉजिटिव और पावरफुल होना चाहिए। कभी भी किसी के लिए मन के अंदर ईर्ष्या, मन के अंदर घृणा, मन के अंदर क्रोध, मन के अंदर कंपटीशन और क्रिटिसिज्म की भावनाएं, मन के अंदर एक्सपेक्टेशंस, ये भावनाएं हमारे जीवन में हमारे लिए विनाशकारी हैं, हम ठीक ही नहीं कर सकते। जिस मन के अंदर भय और चिंता है, जिस हृदय के अंदर दूसरों के लिए घृणा और ईर्ष्या है, जिस मन के अंदर क्रोध है, वो ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना कभी किसी को खुशी दे सकता है। परफेक्ट ट्रीटमेंट लिखेगा लेकिन परफेक्ट हीलिंग वो कभी भी नहीं कर पाएगा। तो क्रोध नेचुरल है या प्यार नेचुरल है हमारी लाइफ में, बताइए, व्हाट इज नेचुरल? प्यार है, शांति है, पवित्रता है, कंपैशन है, एक्सेप्टेंस है एक दूसरे के लिए, एमिकेबिलिटी है। दोस्तों, हम जीवन के अंदर हम लोगों को एक दूसरे का हाथ होल्ड करना है, एक दूसरे की टांग नहीं, एक दूसरे को खींचना नहीं है, उन लोगों को सपोर्ट देना है। वो दर्द में है, वो कष्ट में है, दर्द और कष्ट की आत्माओं को और कष्ट देना ये हीलिंग नहीं होगी। उनको सुकून देना, उनके ऊपर रहम की भावना करना, उनके जीवन के अंदर सुकून और शांति देना, यही है उनको सच्चा आनंद देना। हम हीलर्स हैं। लिखो सामने अपनी क्लिनिक के अंदर, जहां पर भी प्रैक्टिस है ना, वहां पर बोर्ड लगा दो, पॉजिटिव थिंकिंग क्लिनिक, नो नेगेटिव जोन। लेबल कर सकते हैं, अगर एनिमल्स को भी ट्रीट करते हैं, जान है ना, उनको वाइब्रेशंस दो, किसी भी प्रकार के वो हो, उनको सुकून दो आते हुए कि ये बिल्कुल संतान, परमात्मा के बच्चे, परमात्मा की संतान। नो नेगेटिव, कोई संकल्प नेगेटिव करना ही नहीं। कोई मरीज आए, आप बोलो बिल्कुल ठीक लग रहे हो आप तो, आपको बीमारी है ही नहीं, उसको लगेगा अरे वाह कितना वंडरफुल डॉक्टर है। कहो मैं बिल्कुल परफेक्ट आपको ट्रीटमेंट लिख रहा हूं, और परमात्मा को याद करके आप लिखेंगे ना, वो ट्रीटमेंट आपके साथ उसकी एनर्जी के साथ उसको 100% हीलिंग करेगा। मानते हो नहीं बताओ, एक दिन के लिए देखना, आप कहोगे डॉक्टर साहब मैजिक हो रहा है, वो गोली पहले 50% असर करती थी, अब 100% असर करती है। कल दिखाया था हीलिंग मैंने आपको, शाम को देखा था ना आपने कि कितनी माइंड पावर के द्वारा ब्रेन जैसी बीमारी को भी हम लोग अपने संकल्पों द्वारा हील कर सकते हैं। और लास्ट एक्सरसाइज जो हम सबको करनी है वो है मेडिटेशन की प्रैक्टिस, रोज मेडिटेशन। मोबाइल को चार्ज करते हैं रोज? मोबाइल को चार्ज करते हैं रोज? क्यों करते हैं मोबाइल को रोज चार्ज? मत करो, मत करिए, मोबाइल को नहीं चार्ज करते हैं। क्या होगा मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो? डिस्चार्ज होकर बंद हो जाएगा। जो चीज़ को आराम नहीं देंगे, जिस चीज़ को चार्ज नहीं करेंगे, वो थक जाएगी, वो रुक जाएगी। अगर लैपटॉप को मैं लगातार ऑन रखूँगा वो ख़राब हो जाएगा, लाइट को जलाते रहेंगे वो बंद हो जाएगी, पंखा चलता रहेगा तो कभी कभी बंद हो जाएगा। मन को कभी चार्ज करने की कोशिश की है? ये नहीं ज़रूरत है चलाते जाएं, मन भी तो सिग्नल दे रहा है ना, मैं थका हुआ हूँ, मुझे दर्द है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे आराम दो। हम कहते हैं कोई बात नहीं, और काम कर, थोड़ा और थक। परमात्मा कहता है थोड़ा आराम, सुकून दो। मन को आराम देना अर्थात मेडिटेशन को यूज़ करना, मन के संकल्पों को, भावनाओं को, पॉजिटिव, परमात्मा की प्यूरिटी, परमात्मा की शांति, परमात्मा का प्यार, परमात्मा के आनंद, परमात्मिक खुशी, परमात्मिक ज्ञान से संपन्न बनाना, ये है मन को आराम देना। ये आपके ओरिजिनल फोल्डर्स हैं। आपको शांति अच्छी लगती है या अशांति अच्छी लगती है, बताइए, जोर से बताइए। किस किस को अशांति अच्छी लगती है वो हाथ उठाइए। किस किस को दुख अच्छा लगता है वो हाथ उठाइए। किस किस को घृणा अच्छी लगती है वो हाथ उठाइए। किस किस को अपवित्रता अच्छी लगती है वो हाथ उठाइए। नहीं लगती, अर्थात अब सब मानते हैं इस चीज को कि ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, राइट और नॉट? यस और नो बताइए। यस, जब ओरिजिनल फोल्डर हमारा ये है तो हम क्यों जीवन के अंदर क्रोध और वो करते हैं? क्योंकि हमने उसको नेचुरल बार बार यूज करके बना लिया है। और जब हम बार बार खुशी, आनंद और पवित्रता को धारण करेंगे, ये हमारा नेचुरल ओरिजिनल स्वरूप बाहर आ जाएगा।
अगर शीशा मैला हो जाता है तो हमें लगता है शीशा तो खराब है, वो दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे ही शीशे को पोछते हैं तो क्या होता है, हमारा रियल स्वरूप सामने आ जाता है। इसी को मेडिटेशन कहा जाता है, संकल्पों को आराम देना, सुकून देना, पावर देना और शक्ति देना, यही है अपने जीवन में आराम देना। कुछ पल की मेडिटेशन, केवल 20 मिनट मेडिटेशन हमारे ब्रेन को कंप्लीटली सिंक्रोनाइज कर सकती है, डिसहार्मनी से हार्मनी के अंदर ला सकती है। देखो अपने ब्रेन को, 25 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन और ब्रेन का कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन हमारी लाइफ में हमको प्राप्त हो जाता है। मोर इंटीग्रेटेड एंड इमोशनली स्टेबल सिस्टम, दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स को कंप्लीटली बैलेंस बना देते हैं। दिस इज होलिस्टिक अप्रोच टू हीलिंग इन आवर लाइफ। तो रोज 1440 अशर्फियां गोल्ड कॉइन्स हमको मिलते हैं, उनमें से केवल 20 मिनट हमको अपने लिए निकालने हैं। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? कौन कौन कहता है डिफिकल्ट है? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? कौन कौन निकालेगा वो हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठाना, ऐसे ऐसा हाथ नहीं उठाना, यूं उठा लिया दिखाने के लिए कर लिया, नहीं, अगर कर सकते हैं तो हाथ उठाओ, ऐसे कर सकते हैं ना, सिंपल है, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। रात को सोते हुए, मॉर्निंग में उठते हुए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना है। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं ना, कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, केवल ब्रह्मा कुमारी आत्मा बोले, परमात्मा बोले, वो नहीं। तो आज इवनिंग के अंदर बहुत पावरफुल हम लोग साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल एंड सुप्रीम सोल हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। उस जगह का नाम मुझे मालूम नहीं है जहां पर ये प्रोग्राम है, अमानोरा में है ना शायद, वो स्कूल के अंदर है। अगर टाइम हो तो शाम को सब जरूर आना, एक्सपीरियंस दैट पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑफ योर सोल, दैट हाउ यू कैन क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। पार्ट टू, कल पार्ट वन हुआ था, टुडे पार्ट टू है, दैट अंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, दैट हाउ यू कैन कंप्लीटली चेंज योर लाइफ, डिजाइन योर लाइफ बाय योर ओन थॉट्स। तो चलो अब हम कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ही, सब कुछ है, मोबाइल फोन भी बजेगा, ईमेल्स भी आएंगी, लोग भी फोन लगा रहे होंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मैं अपने आप को बहुत शांत और शक्तिशाली अनुभव करूंगा और करूंगी। रेडी? सब बैठे आराम से 5 सेकंड के लिए। चेहरा दुख से या मुस्कुराता हुआ, उदास या मुस्कुराता हुआ, हाँ कैसा चेहरा हुआ, दिखाओ सब अपना चेहरा, मुस्कुराता हुआ, ग्लोइंग चेहरा, बिल्कुल स्माइलिंग चेहरा हमारा होना चाहिए। एक लवली सी ट्यून बजाएंगे, लाइट सी मेडिटेशन ट्यून बजाएंगे और हम सब एक सुंदर यात्रा पर हम लोग चलेंगे, वेरी लवली ब्यूटीफुल जर्नी। देखो आंखें खोलो, चेहरा मुस्कुराता हुआ, हम कोई तलवार या बंदूक लेकर लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम एक बहुत सुख की और आनंद की यात्रा पर जा रहे हैं। ओके, अपने आप को एक शक्तिशाली असीम शांत परम पवित्र ज्योति के रूप में देखो, विजुलाइज करो, शरीर को बिल्कुल हल्का ढीला, पांव को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाओ, जैसे कि सब सुकून के अंदर एक एक अंग बिल्कुल शांत, अनुभव करो उस सुकून का, बहुत हल्का, हाथों को बिल्कुल ढीला, रिलैक्स, चेहरे पर एक अनोखा सुकून, हल्की हल्की गहरी गहरी सांस, देखो असीम शक्तियों की, शांति की, पवित्रता, प्योरिटी के साथ सुख, परमात्मिक प्यार की किरणें
मुझ आत्मा को बहुत शांति का अनुभव करा रही हैं। मेरा एक एक संकल्प बहुत शांत है, अनुभव करो। दर्द में आती हुई आत्माएं, दुख में आती हुई आत्माएं जब मेरे सामने आती हैं, तो मैं रहम के सागर की संतान, रहम दिल आत्मा हूं। करुणा के सागर की संतान, मेरे संकल्पों से उन आत्माओं के प्रति बहुत रहम, सुकून और सुख की वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। अनुभव करो बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस मेरे अपने जीवन को सुख और शांति से परिपूर्ण कर रहे हैं। मैं एक हीलर हूं, मेरी वाइब्रेशंस परमात्मिक ऊर्जा, परमात्मिक पवित्रता से परिपूर्ण है। ये सुंदर शक्तिशाली आभा मंडल मुझे सुकून और आनंद का अनुभव करा रहा है। इसी स्थिति में स्थित रहते हुए मैं अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान, असीम प्यार और शांति के स्वरूप में विजुलाइज करती हूं। मेरा हर विचार, हर बोल और हर कर्म बहुत सुखदायी है, अनेकों अनेकों का कल्याण करने वाला है। ओम शांति। ओम शांति। तो इसी प्रकार जब हम लोग जीवन के अंदर कुछ कुछ चेंज लाते हैं, तो हमारा रोल डॉक्टर से हीलर के रूप में चेंज हो जाता है। तो क्या कैसे आए थे? डॉक्टर्स बन के आए थे, और जा कैसे रहे हम लोग परमात्मा के घर से? कैसे जा रहे हैं? हीलर बनकर जा रहे हैं। तो इसी एनर्जी को लेकर, इन्हीं संकल्पों को लेकर बहुत सुंदर जीवन की हमको शुरुआत करनी है। तो इन छहों सातों प्रिंसिपल्स को हम सब एक दिन के लिए फॉलो ज़रूर करेंगे। राजयोग का मेडिटेशन का कोर्स भी करेंगे, आपके पास ही गंगा बहती है। शाम को भी सेशन है, उसके बाद आगे भी कोर्स चलेगा। दीदी आपको बताएंगे जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं लाना। मुझे करना है, परिवर्तन करना है, अपने साथ साथ अनेकों अनेक आत्माओं के जीवन को भी सुकून और शांति से परिपूर्ण करना है। ओम शांति।